दोस्तों इस वक्त मैं हलका पलथ के पिंड अकाले विच खड़ा वा और तुसी देख सकते कि लगभग सारे पिंड के पतवंते सज्जन ग्राम पंचायत के मैंबर्स साबका सरपंच नंबरदार नौजवान सत्कारयोग बीबिया और भैणा काफ़ी वड्डी तादाद विच इस पिंड दे इत्थे साडे नाल इस वक्त मौजूद ने। पिंड है को बहुत वड्डा पिंड है और इस पिंड चों पिछले दिनी जोगिंदर सिंह गुज्जर जेडे कि पिछले 18 साल तो इटली रहिंदे सीगे उन्हां ते एक बहुत खतरनाक कानून पुलिस ने जड़ा दर्ज किया मामला युआपा कानून है UAPA किसी वक्त जो पंजाब के हालात खराब से उदों इसे कानून टाडा कहिंदे सीगे कोई जमानत नहीं होने के चांस 6 महीने तक जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है पुलिस को अधिकार है कि वह 6 महीने तक चलान ही ना पेश करे अदालत में और यदी जी युआपा के कुछ होर बहुत ड्रेकोनियन मेजर्स ने उहदे च इह हैगा कि जिहड़ा मुदई पार्टी है जिहड़ा जिसनों गिरफ्तार किया जगिंदर सिंह गुज्जर गिरफ्तार किया यदी जी एक पुलिस डायरी मेनटेन करेगी वह मुदईया दिखाने की लड़ ही नहीं गी वह सीधा सिर्फ जज के नाल शेयर की जा सकती डिटेल्स ये जड़ा FIR दर्ज की है किसे व्यक्ति वालों नहीं किसी सूत्रों तो पुलिस ने खुद DSP पलथ वालों FIR दर्ज की है। ये बहुत मैं कह सकता कि दुरउपयोग हो रहा पंजाब दे विच युआपा दे कानून का। थोड़ी जी झात मैं जोगिंदर सिंह दे बहुत आना जाना पुराना जोगिंदर सिंह बारे मैं जेडे सारे विश्व च बैठे पंजाब के लोग या पंजाब दे विच जेडे आम जनता है उन्होंने थोड़ी जानकारी हो जूगी। जोगिंदर सिंह गुज्जर लबाणा बरादरी नाल तल्लुक रखने वाले सत्कारयोग साडे भरा ने जिदा मैं पहला कहा कि 18 साल तो इटली रहिंदे ने 65 साल के करीब इन्हां दी उम्र है पढ़ाई तकरीबन नाम मात्र है और ये हार्ट पेशेंट इन्हां दे दिल विच 2 या 3 स्टेंट पाए हुए ने मतलब कि बेसिकली एक साधारण व्यक्ति जो अपनी जिंदगी नू बेहतर बनाने वास्ते विदेशों में गए और हुण पंजाब पुलिस ने दिल्ली दी एजेंसियां दे निर्देशां ते एक कानून इहदे ते ठोक दिता है और इनू गिरफ्तार कर लिया होया और गिरफ्तार तो बाद इन्हां नू मिलना मिलाउणा भी कोई सौखा काम नहीं गा। जिहड़े मुढ़ बनाए ने गिरफ्तारी दे उहदे च 2-3 इशूज़ ने जिहड़े मैं कहना चाहुंदा एक तो आ तस्वीर मुढ़ बनाया गया वा जिहड़ा जिनीवा दे विच कन्वेंशन हुई सी शायद 2019 दे विच स्विट्जरलैंड जिथे सिक्स फॉर जस्टिस ने भारत का झंडा पाड़िया माड़ी गल की या होर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ की 2500 के करीब लोगों ने शिरकत की उन्होंने शायद एक जोगिंदर सिंह गुज्जर भी है। इस फोटो च वैसे जी फोटो पुलिस रिकॉर्ड के नाल नत्थी की जा रही इस फोटो में जोगिंदर सिंह सानू नज़र नहीं आया। उस तो अलावा एक तो यह है वह कसूर बनाता कि 2019 स्विट्जरलैंड जिनीवा दे विच एक कन्वेंशन हुई सी सिक्स फॉर जस्टिस वालों और उत्थे जड़ा देश का झंडा पाड़िया गया उहदा कुछ जड़े तकरीरां कीतियां गईयां वो इंडिया के खिलाफ उहदे विच उहनूं इनवॉल्व किया गया। दूसरा एक आ तस्वीर है इहदे सेंटर दे विच तुसीं देखोगे जोगिंदर सिंह गुज्जर दरम्यान सेंटर विच खड़े ने तुसीं देख सकते हो कि बिल्कुल सादगी वाला एक इंसान है उहदी उम्र भी तुसीं देख सकते हो। दूसरा कि इन्हां ने कोई अमरीका तो कोई मिस्टर अवतार सिंह पन्नू आए सी इटली दे किसे गुरुद्वारे दे विच और इन्हां नू सरोपा दिता सरोपा देण दा एक ऑफेंस बना के इटली दे गुरुद्वारे च जिहड़ी वो बैंड ऑर्गनाइजेशन है SGF दे कोई ऑफिस बेयरर होणगे मैं तां आप नहीं जानदा इन्हां नू इन्हां नू सरोपा देण दा भी ये एक इन्हां दे उत्ते आरोप है। एक बहुत होर आरोप है ये वैसटर्न यूनियन की ट्रांसफर रिसीट है बहुत साफ नहीं गी धुंधली है क्योंकि जो चार्ज करते वड्डा करते हैं ये महज 200 यूरो का ट्रांसफर किया गया पैसा इटली तो 200 यूरो 15,000 और ये ट्रांसफर भी किसी रण सिंह वालों किया गया वा ये जोगिंदर सिंह गुज्जर के अकाउंट चो नहीं किया गया और दिता गया है कोई संदीप सिंह नू। ये दोनों व्यक्ति लापता ने इन्हों दोनों बारे पुलिस को कोई जानकारी नहीं गी
सिर्फ जिस व्यक्ति ने यह पैसा ट्रांसफर किया उसने जोगिंदर सिंह गुज्जर का फोन अपने हाथ लैके एक स्नैपशॉट ले ली इस ट्रांसफर एंट्री की। स्नैपशॉट जोगिंदर सिंह गुज्जर के फोन के फोटो गैलरी में पई रहेगी। जोगिंदर सिंह गुज्जर एड्डा लेमैन है कि उन्होंने अपना फोन भी बहुत अच्छी तरह ऑपरेट नहीं करना आता। अगर उन्होंने पता होता कि गैर कानूनी है तो अपनी फोटो गैलरी चो फोटो डिलीट कर देता, लेकिन उसने वो फोटो भी डिलीट नहीं की। तीन वड्डे जुर्म बना के जोगिंदर सिंह का चलान यूएपा दे विच कर दिता। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहना कि 15,000 या 200 यूरो दे नाल भारत नूं तोड़िया जा सकता वा। जिहड़े कहिंदे जोगिंदर सिंह गुज्जर ने अत्तवादी गतिविधियां विच हिस्सा लिया ते देश नूं तोड़न दी साजिशां घड़न विच इहदा रोल सीगा, जिहड़ा परचा दर्ज किया FIR दर्ज की गई है। तुहानूं लगदा वा कि 65 साल का एक अन सिर्फ 15,000 रुपए की एक एंट्री आधार बना के ते दो तस्वीर आधार बना के भारत को तोड़ सकता वा कि भारत देश एड्डा कमजोर है कि 15,000 ना टुट जाएगा। इस करके मेरा यह मनना वा कि बहुत बेइंसाफ हुई है। और मैं आज कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर चिट्ठी भी लिखने जा रहा वा और मैं मंग करूँगा कि यदि निरपक्ष जांच होनी चाहिए है। और तुम देख सकते हो कि उन्होंने धर्मपत्नी मैं आओ आप उन्होंने दो मिनट इस तो पहला कि मैं उन्होंने गल करा, मैं कुछ थोड़े जे फैक्ट्स होर स्टेट करदा, फिर मैं बीबी गुरमीत कौर जिहड़ी कि उन्होंने धर्मपत्नी आ, क्योंकि जोगिंदर सिंह का पासपोर्ट भी कैंसल करता, यह शायद सारी उम्र मुड़ के इटली भी नहीं जा सकता। मैनू तो डर आ कि जिदा की सेहत है जोगिंदर सिंह की नाजुक सेहत आ, और COVID-19 के चलदियाँ वह करोना वायरस भी पॉजिटिव कॉन्टैक्ट कर सकता, तो उसका अंदर जिदा के हालात अपनी जेलों से पुलिस थाने होंगे आदि सेहत को कुछ भी हो सकता, वो जिम्मेवार पंजाब सरकार होगी। इस तो अलावा यूआपा लॉ जिहड़ा वो पंजाब सरकार बहुत रैंडमली यूज़ कर रही है, शायद 16 FIRs दर्ज कीतियां ने तड़ातड़ इनडिसक्रिमिनेटली। लेकिन इस यूआपा लॉ के मुतलक कांग्रेस के हाईकमांड इस कानून का लोकसभा के जो पास किया गया 2019 के, और हुणे ही ताज़ा एक आर्टिकल लिखा है जी, हलो एक आर्टिकल लिखा वा कपिल सिब्बल जिहड़े फॉर्मर मिनिस्टर ने स्पोक्सपर्सन ने और बहुत वड्डे वकील ने इस देश के, उन्होंने आर्टिकल लिखा हुणे ही 30 जून 2019 नूं, अज तो मतलब 30 जून 2020 नूं, अज तो महज 5-6 दिन पहला, उन्हां दा हैडिंग हैगा आपा वेन लॉज टर्न ओप्रेसिव। यह हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल कपिल सिब्बल का मेरा नहीं गा, किसी होर का नहीं गा, यह कांग्रेस के सब तो बेहतरीन टॉप के वकील और लीडर का है, वो उन्होंने इसकी सारी कोख की है। और उन्होंने एक सिट्टा यह कड़िया कि यह कानून जोड़ा वा यदा दुरउपयोग हो रहा वा भारत के अपने विरोधियों दबाने वास्ते, इनोसेंट लोगों को फ्रेम करने वास्ते, जिहड़े RTI के एक्टिविस्ट ने या जिहड़े लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, ये यूआपा उन्होंने ठोकी जाती है। उन्होंने इसे आर्टिकल कुछ इंपोर्टेंट नाम मैनशन किए हैं, डाटा उन्होंने होर भी बहुत दिता कि ये कोई कन्विक्शन नहीं होंगी, ये महज हरासमेंट है, कई साल सड़ना पैंदा। पर इस उन्होंने फैक्ट्स मुताबिक ये जिहड़ा कानून है यूआपा का, ये पिछे रीसेंटली एक अखिल गोगोई RTI एक्टिविस्ट से उन्होंने उत्ते लाया गया। सफूरा जरगर एक रिसर्च स्कॉलर है जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की, वो लाया गया। आनंद तिलमबडे ते गौतम नवलखा दोनों जड़े इस देश में दलिता आदिवासियों काम करते, उन्होंने यूआपा लाया गया। यह मैं नहीं लिख रहा, यह कपिल सिब्बल लिख रहे हैं, कैप्टन साहब तुहाडे तो हाईकमांड के पावरफुल वड्डे लीडर। इस तो अगे मसरत जहारा एक 26 साल की एक एक्लेम्ड इंटरनेशनली रिनोन्ड फोटो जर्नलिस्ट यूआपा उहदे ते भी लाया गया। उमार खलीद जिसने दिल्ली दे विच सिर्फ सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध किया CAA के खिलाफ जो कट हुंदे सी शहीन बाग वगैरह दे विच, ये बेचारा उत्थे बोलता होना जाके उमर खालिद इहदे उत्ते लाया जा रहा। गुहार एक कश्मीरी ऑथर ते जर्नलिस्ट है, ये कानून जिहड़ा है यूआपा का उन्होंने लाया कि जिहड़ा कानून कांग्रेस की हाईकमांड लोकसभा विरोध करती है
कपिल सिब्बल वर्गे एक वड्डे तो वड्डे देश के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ते कांग्रेस के आगू इस नूं ओप्रेसिव करार दिंदे ने, इस नूं ह्यूमन राइट्स की वड्डी उलंघना करार दिंदे ने और निर्दोष लोगों का उदाहरण दे के आर्टिकल लिखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के विच। कैप्टन साहब उस ला उस कानून पंजाब दे विच एडे वड्डे पद्धर तुसी सारी कौम नूं ही तकरीबन अत्तवादी घोषित करन ते उतरे होए हो, तुहाडी हाईकमांड का मतलब कांग्रेस का नजरिया युवापा के मुतलक बाकी सारे देश वास्ते ठीक है ते पंजाब वास्ते गलत है। पंजाब विच युवापा जिस तरह नाल इस्तेमाल किया जा रहा इहदा मतलब कि कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड दे जड़ा उन्हां दा नजरिया तुसी उहदे नाल असहमत हो और तुसी बीजेपी का पारित किया होया कानून युवापा नूं पंजाब दे विच ठोक वजा के लागू कर रहे हो। इस तरह ही एक होर मामला युवापा का, इस तो पहला कि मैं अगे जावां आ जिहड़ी एक प्रेस रिलीज़ है मेरे कोल जिहड़ी पंजाब पुलिस जारी कर दी ने जो परचे दर्ज कर दी युवापा के तहत। एक परचा दर्ज अमृतसर दे विच जिहड़ा करवाया गया, वैसे तो 16 FIR विचों 15 परचे तो पुलिस के खुफिया सोर्सिस DSP ने कहता कि मैं दस भी नहीं सकता कितों मैनू इतलाह आ रही है, पर मैनू इतलाह मिली है खुफिया तो कि जोगिंदर सिंह जिहड़ा गुजर आ ये बहुत वड्डा अत्तवादी आ, इहदे कोल फलानी फलाना इन्ने पैसे ने फलाना, उहदी सोर्स के आधार के उत्ते गिरफ्तारी की जा सकती है। पर एक FIR शरारत नाल पंजाब पुलिस ने दलित सुरक्षा सेना अमृतसर इन्हां तों भी करवाई है। दलित सुरक्षा सेना ने SF ते मेरे ख्याल शायद इसे जोगिंदर सिंह गुजर का उस FIR विच भी नाम आ जान के कराई आ, और उस पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज कहा गया कि ये कम्यूनल डिवाइड क्रिएट कर सकते इदा के लोग, मतलब तुसी लोगों नूं इशारा कर कि तुसी करो सगो दलितों का ते पंजाब दे विच सिखां दा दलितों का ते किसानां दा तां 9 मास का रिश्ता वा, उन्हां दा कोई सरोकार नहीं गा, ये तुहाडे कोई पेड एजेंट कोई तुहाडे हथ ठोके जिन्हां नूं तुसी एक संस्था का नाम दिता ये उन्हां वल्लों FIR दर्ज कराई। और इहदी कॉन्ट्रडिक्शन हुणे मैं कर दिंदा वा, इहदी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि दलित भी शिकार हो रहे हैं इस कानून के युवापा के। आ मैं तुहानूं एक फोटो दिखा दित्ती आ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत वड्डी अखबार है, किन ऑफ सिख मैन है युवापा सीक इंडिपेंडेंट इनकुआरी। ये कौन फड़िया गया, ये 26 साल का पटियाले जिले का एक दलित सिख नौजवान है, जिहड़े दलित कह रहे ना दलित सुरक्षा सेना कि सानू बहुत दुख होया झंडा साड़िया गया उत्थे या फलाना, दलित ये मुंडा सेहरा पिंड है पटियाले जिले का 26 साल का सुखचैन सिंह जिहड़ा दिहाड़ीदार है बेचारा, जिहड़े 4 भरा उन्हां ते की करता कि पाकिस्तान नाल संबंध ने, विदेशों च बैठे अत्तवादियों नाल संबंध, कोई 32 बुर का पिस्टल उहदे ते प्लांट कर दिता। तो पिंड का सरपंच की कहिंदा वा, सेहरा विलेज सरपंच हाकम सिंह सेड ही वॉज देयर वैन द पुलिस टुक हिम अवे, सरपंच कहिंदा मेरी हाजरी च गिरफ्तार किया गया उन्हूं, ही इज़ अ गुड मैन एंड इज नैवर डिस्प्यूट एंड हैज़ हैड ए नो डिस्प्यूट विद एनी वन लैट अलोन ए केस बीइंग रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। और जिहड़ा इहनूं शो किया गया वा इहदी गिरफ्तारी, एक कौली बस अड्डे तो राजपुरे के नेड़े उहदी गिरफ्तारी शो की, पिंड का सरपंच कहिंदा मेरी हाजरी च पुलिस लैके गई है, डाउटफुल होगी ना सारी कहानी। एक पासे दलितों तो कंप्लेंट करा लेने फर्जी जथेबंदियों तो कि सानू बड़ा दुख हो रहा वा, एक पासे दलितों नू टारगेट करके इस कानून के तहत युवापा के तहत जिहड़ा परचे दर्ज किए जा रहे ने, ये पंजाब पुलिस की पुलिसिंग ते राजनीति का जिहड़ा पक्ष है दिनकर गुप्ता साहब का, क्योंकि वह दिल्लियों आशीर्वाद लेके आउंदे ने उत्थों चलदी साडी पुलिस, ये पक्ष उन्हां दा मैं तुहाडे सामने लिआउणा लाजमी रख्या सी। इस दे नाल नाल एक गल मैं भी कहना चाहना कि अज पंजाब दे विच 20-20 रेफरेंडम के हक में कोई एडी ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं गी, पर पंजाब सरकार जिस तरीके नाल तड़ा तड़ बंदियां दे परचे दर्ज कर रही है, तुसीं इस नूं डेफिनेट पिंड पिंड हर घर दे विच इस रेफरेंडम की जानकारी आप पहुँचा रहे हो। और मैनूं खबर मिली है कि 16 FIR तो युवापा दियां सीधियां सीधियां दर्ज की गईआं, इस तों इलावा पंजाब दे हर पुलिस स्टेशन दे विच 40-40 50-50 नौजवानों के नाम ने जिहड़े कदी विचारे व्हाट्सएप ते किसी ने सिक्स फॉर जस्टिस की कोई पोस्ट शेयर कर ली, कोई फॉरवर्ड करती,
किसी ने फेसबुक पर कमेंट लाइक करता, किसी ने फेसबुक पर कोई वीडियो देख ली, किसी ने फेसबुक पर लिखता कि हाँ असी रेफरेंडम के नाल सहमत हैं। सारे पंजाब के थाणियां दे विच सिख नौजवानों नूं बुला के ते उन्हां नूं हरास किया जा रहा वा। इहदे नाम ते बहुत पुलिस ने पैसे भी ले लेने, कमा लेने ने, उन्हां नूं तंग किया जा रहा वा। और कुल मिला के मैनू यह महसूस हो रहा, जिहड़ा मैनू दुख होया वा कि जोगिंदर सिंह वर्गे एक बजुर्ग जिहदा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं गा, 57 भी नहीं कभी होई उहदे ते, आह घर है उहदा विचारे दा, देख लो तुसीं किड्डा वड्डा उह अतवादी होगा, उहदा घर आ, घर दे अंदर हले भी बालियां लई छत्तां ने, ठीक है, गली तो किन्ना नीवा थले, गली तो किन्ना नीवा तुसीं दे सकदे, इह किड्डा वड्डा अतवादी होगा। अफसोस मैनू हो रहा कि कैप्टन साहब तुहानू लोकां ने चीफ मिनिस्टर इस काम लई थोड़ो बनाया, तुसीं अपनी कौम दे पिछे पै जाओ हथ धो के। ठीक है, SJF गलत काम कर रही है, उन्होंने तरीके दे नाल उन्होंने बैन करना चाहिए, उन्होंने एक्टिविटीज रुकनिया चाहिए, पर जिस ढंग दे नाल हजारा लोगों को पुछगिछ करने लिए थाने च खज्जल खुआरी कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ह्यूमिलेट कर रहे हो, तुम इस गलू वधाओगे तो जरूर घटाओगे नहीं, मेरी गल डेफिनेटली नोट कर लो। और दूजा मैं कहना चाहना कि ठीक है SJF दियाँ रेफरेंडम दियाँ गतिविधियां विदेशों में कर रहे हैं, आजाद कंट्रिया में, वो पर जो साडे देश में बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की गल कही जाती है, BJP के RSS के वड्डे वड्डे आगू जोड़े ने जो हिंदू राष्ट्र की गल करते, पंजाब दे विच भी कई दुकियां तिक्कियां मैं देखियां, वो शरिया फेसबुक पर आ के धमकियां दिंदियां वाह और आ राष्ट्र की सपोर्ट, उन्होंने खिलाफ़ तो कोई परचा दर्ज नहीं होंगे कभी अज तक, उन्हों की तो किसी ने पूछगिछ नहीं की। दिनकर गुप्ता साहब सिर्फ एक कम्यूनिटी टारगेट क्यों किया जा रहा, तुम इन्हों इंटीमीडिएट कर रहे हो, इन्हों डिफेम कर रहे हो, बहादुर सिखा ते पंजाबियों जिन्होंने देश की आजादी में सब तो ज़्यादा फांसियां दे रस्से चुम्मे, सारा पाकिस्तान तो उजाड़ा करा के भारत का साथ दिता, किसानों ने अनाज का भंडार भर दिता, जवानों ने बॉर्डर से राखी, आ हुणे 20 चो 4 नौजवान जिन्हों की शहादत हुई पंजाब के ने, असी तो 2% है सिर्फ इस इंडिया की वड्डी, 2% वाले ने 20% कुरबानी देने तो पिछे नहीं हटे, दोगली तुहाडी नीति आ, वो कहन तो हिंदू राष्ट्र तो उन्होंने कोई परचा नहीं गा, तो इधरले पासे माड़ा जा को फेसबुक पर कोई पोस्ट भी शेयर कर ले ते तुहाडी पुलिस दगड़ दगड़ करती जाके उन्होंने चकती आ, उन्होंने परचे दर्ज करती है। मेरी पन्नू साहब नूं भी एक बेनती, जिहड़े भी मैं तो उन्होंने कभी जानता नहीं कभी मिलया नहीं गा, तुसीं भी पंजाब दे विच लोगों जान बुझ के टारगेट ना बनवाओ। मैनूं कल एक रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एक औरत आ माझे दी, बहुत अच्छी लेडी है, मैं उन्होंने जानदा, उन्होंने टैलीफोन किया कि मैं पन्नू बोल रहा अमेरिका तो, तुसीं जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एवं कॉन्वर्सेशन बनाती, उन्होंने फोन तो 100% टैप किए हुए ने इंटैलीजेंस एजेंसियां, वो बेचारे उस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर लेडी के घर पहुँच गए पुलिस वाले, उहदा पासपोर्ट डिटेल्स, उहदा सारियां डिटेल्स, उहदा आधार कार्ड। पन्नू साहब इदां क्यों तुसीं आ रहे हो पंजाब दे विच, तुसीं आजाद देशों में बैठ के जो भी प्रोपेगेंडा करना वो तुहाडी इच्छा वा, पर भारत दे विच जां तां होवे ना तुसीं इत्थे आण के खालिस्तान मंगो, तुहाडा पता लगे, जिद्दां जोगिंदर सिंह दे खिलाफ़ पर्चा दर्ज होया तुहाडा भी नाम आ उहदे विच, कि तुसीं इत्थे आण के कोई उत्थे इस आजाद सिख राज दी या खालिस्तान सोवरन स्टेट की मंग कर सकते हो। तो जो तुम टैलीफोन पर कॉन्टैक्ट करते हैं तुहाडी जथेबंदी पंजाब दे विच लोगों नूं संपर्क करती, और टारगेट बना रहे हो तुम, वो पुलिस को हैंडल दे रहे हो कि इन्हां दे खिलाफ तगड़े होकर युआपा वर्गे वड्डे वड्डे कानून लाए जाण। इस करके ये सारिया तथ्यों के आधार पर मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं बेनती है कि इहदी निरपक्ष जांच होनी चाहिए, वैसे तो 16 FIR की निरपक्ष जांच होनी चाहिए, उस दलित सुखचैन सिंह सेहरा पिंड का पटियाले जिते युआपा लाया वा 26 साल का, उहदी भी निरपक्ष जांच। पर मैं तुहानूं बेनती करना तुसीं जांच भी अपनी एजेंसियां तो करवाउणी है। जस्टिस महताब सिंह गिल एक विंडेटा कमिशन के चेयरमैन बनाए ने कांग्रेस सरकार ने चंडीगढ़, रिटायर्ड जज ने, एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, उन्होंने बहुत सारे केसों के बेगुनाह लोगों रिलीफ भी दी, जी अकाली दल के 10 साल के राज जिन्हां ते झूठे परचे दर्ज होए सी, इह 16 दियां 16 FIR से उन्होंने तो जांच करा लो, तुहाडे जज ने तुहाडे नियुक्त किए हुए हैं। और जो तुसीं ऑपोजिशन सीगे कैप्टन साहब, तुसीं इसे ही पंजाब पुलिस नूं रोज कि पंजाब पुलिस पक्षपाती आ, ये झूठे परचे दर्ज कर रही है, इन्हें हजारा परचे दर्ज साढ़े कांग्रेस के वर्करां ते कीते और कीते उस वक्त की सरकार के उत्ते कहणते, इहदा मतलब पंजाब पुलिस के क्रेडिबिलिटी ते तुहानूं भी डाउट सीगा, पर हुण क्योंकि तुसीं चीफ मिनिस्टर बन गए वो तुहानूं सलूट मारन लग गए, हुण तुहानूं बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं तुहानूं जदों भी सुनदा तुसीं कहिंदे माई DGP, ही इज़ नॉट योर DGP, ही इज़ द DGP ऑफ द पंजाब स्टेट, तुहाडे कोल पर्सनल खाते चो तनखा नहीं लैंदा, वो तनखा लैंदा वा पंजाब के सरकारी खजाने के विचों।
इसलिए इन्नी इन्हां दी पिट्ठ ना थप्पड़ो, कल नूं तुसीं फिर ओपोजिशन छोड़ना, तुहाडे बच्चे ओपोजिशन छोड़नगे, तुहाडे ते वी इदां दे परचे दर्ज करेंगे। यही पंजाब पुलिस अपना दुरइस्तेमाल करके पावर्स दा। और दिनकर गुप्ता दे मुतलक मैं सिर्फ एक गल कह के अगे पास ऑन करदा माइक टू द वाइफ एंड द फैमिली एंड द विलेजर्स कि दिनकर गुप्ता उह डीजीपी आ जिन्हें समूह सिख कौम नूं अतवादी गिरदान दिता सी। करतारपुर साहब जिहड़े मत्था टेकन जांदे, डीजीपी दा बयान आया वा कि जिहड़े पाकिस्तान सिख श्रद्धालु जांदे ने पाकिस्तान गुरुद्वारा करतारपुर साहब कोरीडोर दे राहीं, पाकिस्तान उन्होंने 6 घंटे में अतवादी बना के भेज सकता। कैप्टन साहब तुसीं उहदे खिलाफ एक्शन तां की लैणा सी? तुसीं कहिंदे जी इदां सधारण गलतियां हो जांदियां ने, इह सधारण गलती नहीं गी, इह मिस्टर गुप्ता दा माइंडसैट आ जिहड़ा क्यों आदेश आ। और मैं दावे नाल कह सकदा कि अज जो पंजाब पुलिस पंजाब दे विच खालिस्तान मॉड्यूल सो कॉल्ड बस्ट कर रही है, हर पंजवें सत्तवें दिन एक मॉड्यूल बस्ट करते हैं, पांच सत्त बंदियां नूं कह दिंदे ने इन्हां को हथियार लभ गए ने, यह खालिस्तान बनाउण जा रहे सी, एकता दी भारत की एकता ते अखंडता नूं खतरा पैदा कर रहे सी, यह देश तोड़न जा रहे सी। तुसीं अपना काम तरीके 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 दे नाल कर रहे हो, अपने दिल्ली के बॉसिस नूं खुश कर रहे हो, पर एक गल याद रखो, तुसीं पंजाब दे बहादुर सिख कौम नूं नाल सारी नूं बदनाम कर रहे हो, दुनिया दे विच उन्हां नूं अतवादी का लेबल ला रहे हो। इस करके ये सारी गल की जांच मंगदा, और मैं उम्मीद करदा कैप्टन साहब कि तुसीं इन्हां दे परिवार नूं रोज़ फेस टाइम करदे हो लोकां दे नाल, छोटे छोटे बच्चों नाल, टिकटॉक स्टार नाल, अपने इधर उधर ठीक है सारा पंजाब दे विच, जे तुहाडे च हिम्मत है ना तो गुरमीत कौर दे नाल एक बार फेस टाइम करके दिखा दो। चलो मेरे नाल तां तुसीं नहीं करना, जे चंगी गल तां होऊ जे मेरे नाल करोगे निरपक्षता दे नाल, पर चलो तुसीं इस परिवार दे नाल गुरमीत कौर नाल फेस टाइम करके एक बार हाल पुछ लो कि तुहाडे पति नूं कितें गलत तां नहीं फसाया गया, तुहानूं इहदे बॉडी लैंग्वेज, इहदी अक्खां, इहदा चेहरे दे एक्सप्रैशन साफ दस देणगे कि जोगिंदर सिंह गुज्जर बेगुनाह बंदा वा। इसलिए तुहानूं उहदी जांच करनी चाहिए। हुण मैं बेनती करूँगा कि एक बार आपां पिंड दे कुछ पतवंते सज्जणां तों जोगिंदर सिंह दे किरदार ते उहनां दी धर्मपत्नी तों उहनां दे हाल पुछ लईए। बीबी जी एक मिनट उठ के आयो, जरा इधर इत्थे आयो। मुनीशा कैन यूज द माइक जस्ट वन मिनट। अब तुहाडा नाम की है? मेरा नाम गुरमीत कौर। थोड़ा उच्ची बोलो प्लीज। गुरमीत कौर। गुरमीत कौर, हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਇੰਡੀਆ ਆਣ ਕੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਦ ਮਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਲਾਤਾ ਵਾ? ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪੰਨੂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ 200 ਯੂਰੋ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 2020 ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਟ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਠੋ। ਇਹ ਹੁਣ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। 18 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹਾਰਟ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਛ? ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਇਸ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੁਣ 18 ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪੁੰਨੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਇਹ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਆ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਚੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਵਾਜ਼ ਏ ਖਲਕਤ ਨਗਾਰਾ ਏ ਖੁਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਇਓ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੰਮੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਹੰਸਵਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਤੱਕ ਲੋਈ, ਸਾਡਾ ਹਾਨਸਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਈ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਰਪ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਰੁਕੋ, ਬਹੁਤ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਨਿਰਫਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਿਰਫਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਿਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜਗਿੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ 5-7 ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਖਾਲਸਾ ਮਾਹੀ ਖਾਲਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੇ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤ ਪਤੀ ਪਤੀਤੀ ਦੀ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਰ ਪੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਫੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇਖੋ, ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਮੋਤਵਾਰ ਸੱਜਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਤਿੰਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਓ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 10-2090 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, 2010 'ਚ 10 ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ 10 ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੀਗ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਟਡ ਰੈਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
अपना दम तोड़ दे क्योंकि कानून युवापा टाडा वर्गा बहुत डेंजरस है। इट शुड बी इंप्लीमेंटेड वेरी वेरी सिलेक्टिवली और चीफ मिनिस्टर साहब नू पर्सनल इंडलजेंस करनी चाहिए हर के अगर इदा का केस बनाया जा रहा ये उन्होंने आप घोक करनी चाहिए। एक मैं श्रोमणी अकाली दल बारे चार लफ्ज़ कहना चाहना कि देखो श्रोमणी अकाली दल बेसिकली घट गिनतियां दी पैरोकार सीगी और खास तौर पर सिखां दी नुमाइंदा जमात सीगी। ना सुखबीर सिंह बादल बोल रहे हैं ना उन्हों का कोई होर वड्डे बादल साहब बोल रहे हैं। अक्सर पंजाब दे विच एडे वड्डे पद्धर दे उत्ते टारगेट किया जा रहा सिखां नू आ जोगिंदर सिंह वर्ग के किन्ने बेगुनाह लोगों तो थाणियां विच कई हज़ारा नौजवानों नू बुला बुला के उन्हां दी फेसबुक चैक कर रहे सोशल मीडिया चैक कर रहे हैं कि यह गुनाह है कोई कि यह बहुत वड्डा कोई उन्होंने कोई अत्तवादी कारनामा कर दिता जिहड़ा तुसीं नौजवानों नू बुला के उन्हां दी। इसलिए श्रोमणी अकाली दल नू अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए है। मेरा काम नहीं गा मैं तो इतने बतौर एम एल ए पलथ क्योंकि मेरे हल्के का एक आदमी टारगेट किया गया मेरा फर्ज बनता सीगा कि मैं वो हद का नारा मारा कि असल में काम श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी कि सिख कौम की एक नुमाइंदा जमात अपने आप को अखवाउंदी आ जां तां फिर अखवाओ ना जां तां कह दिओ कि असी बीजेपी के हथ ठोके हाँ असी बी टीम है उन्हां दी साडे पल्ले कुछ नहीं गा ते जे कौन जे कहिंदे हो जे तुसीं छोटे छोटे गल्लां ते धरने मारदे हो कि बिजली घट आ रही आ बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं ये भी एक कौमी मसला है एक बहुत वड्डा तुहानूं इहदे ते भी गौर करना चाहिए। लास्ट नॉट द लीस्ट इंसाफ नूं लेके एक अंग्रेजी का कोट है वो कहिंदे ने कि लैट 100 गिल्टी स्कॉट फ्री लैट 100 गिल्टी गो अनपनिश्ड नॉट वन इनोसेंट शुड बी कन्विक्टेड रोंगली फॉल्सली। सैकड़े गुनाहगार बच जान एक बेगुनाह जिहड़ा ना एक बेगुनाह कैप्टन साहब उहदी बहुत वड्डी हा लगदी एक बेगुनाह भी तुसीं जे किसी नूं गलत फ्रेम कर दोगे जोगिंदर सिंह गुजर सुखचैन सिंह दलित 26 साल का नौजवान जिथों आवाजा उठ रही वो बहुत वड्डा गुनाह वा तुहाडी जिंदगी च इत्थे तां तुहाडी मैं मंनदा वां कि तुसीं इस अदालत विच तां तुसीं सुप्रीम हो और उपर एक अदालत है वाहेगुरु अकाल पुरख की आपां उहनूं भी सब ने जान देनी है। मक्खन सिंह जी कित्थे एक मिनट आ जाओ उहनां दे सके भरा ने जी दसो जी फड़ लो कोई नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं मक्खन सिंह गुजर बोल रहा हाँ आई साड़ी कड़ी इतने एफ सी दर्ज भी नहीं हुई कभी चलान कोई किसी गल का चलान हो भर सकते हैं। साड़ी रिक्वेस्ट यह है कि अभी किसी भी कभी लड़ाई किसी खाते च नहीं हैगी साड़ी जी साड़ी रिक्वेस्ट यह हुई है कि इनू अटैक होया अटैक होने करके जे ये पूरा हो गया ज किदा भी हो गया तो बहुत औखा है जी ये कोई काम करे तो हाँ इस चीज़ का ही जिम्मेदार है कोई भी है ही नहीं जी अभी बिल्कुल पक्के कांग्रेसी बंदे ही कैप्टन साहब मैं ही गवर्नमेंट के बंदे हाँ बिल्कुल सॉरी मैं फौजी भी है ही पर आगे लो ये मैं कैप्टन साहब को बेनती है कि ये सारे अल्टीमेटली कांग्रेस को वोटा पाइया इन्होंने चलो वोटा भी छड़ दो इंसाफ पसंदी जी अपनी एक जगह पर आ ते बेइंसाफी जी एक मिनट सो इसलिए मेरी तुहानूं फिर दोबारा कैप्टन साहब नूं बेनती है कि कृपा करके इहदी निरपक्ष जांच कराओ जस्टिस महताब सिंह गिल कमिशन तो ही करा दिओ वो तो तुहाडा वेंडेटा कमिशन ही है। जज साहब नूं कोई एक विजिट कर देन सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर लैन तो इस बंदे नूं इंसाफ मिलना चाहिदा। एक गल मैं कहना चाहुंदा मैनूं पता नहीं परचा किदां दर्ज होया वा हो सकदा उहनां दे खिलाफ जावे साडे जिले दा SSP बहुत अच्छा वा मैं उन्होंने खिलाफ नहीं गा ये डायरेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्लियों आ रही ने साडे जिले के डिप्टी कमिश्नर भी बहुत अच्छी लेडी है जेडे ठीक ने असं ठीक कहने हैं और मैं रखता वा कि SSP कपूरथला पर्सनल इंटरफेरेंस करके यदि हेल्प करेंगे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंडस यही मेरी फरियाद सी। एक बार फिर मैं सारे पिंड अकाला दे सारे पतवंते सज्जणा दा नौजवानों का बीबिया भैणा का पिंड दे सरपंच साहब पंचायत मैंबर नंबरदार साबका सरपंच जोगिंदर सिंह गुजर के समूह परिवार का जिन्होंने ऑन कैमरा आ के क्योंकि दहशत ही इन्नी इस कानून की कैमरे से भी आ के लोग गल करने तो डरते हैं इन्ना इस युवापा का दहशत है। कैप्टन साहब जे तुहाडी पार्टी के कपिल सिब्बल साहब इस कानून को गलत ठहराते हैं तुसीं इहनूं पंजाब दे विच इस पद्धर के उत्ते इस्तेमाल ना करो। हाँ बहुत वड्डा कोई अत्तवादी तुहाडे हथ विच आ जाए जिहड़ा वाकई देश नूं तोड़ना चाहुंदा जिहदे कोल कोई RDX मिले जेन्युइन उन्हां दे खिलाफ तुसीं ला सकदे हो
आ जिहड़े बेचारे बेगुनाह इन्हां नूं तां FIR भी नहीं कहनी आउंदी चंगे तरीके नाल, FIR भी नहीं कह सके चंगी तरह, इन्हां दे खिलाफ इस तरह का वड्डा कानून ना लाया जाए। बहुत मैं उम्मीद करदा अमरिंदर सिंह बेसिकली फेयर आदमी ने, वो सिर्फ क्योंकि उन्हां दा कॉन्टैक्ट घट हो रहा लोगों के नाल जमीन ते, वो जो DGP कही जाते अपने DGP के आखे ही सारा कुछ करी जाते हैं। जे अमरिंदर सिंह एक बार आप परसनली इंडल्ज कर जाएंगे फैमिली नाल, मैं दावे ना कह सकता कि जोगिंदर सिंह जड़ा ही विल बी ए फ्री मैन, उन्हों हिरासत तो तुरंत कैप्टन अमरिंदर सिंह आप छुड़वाएंगे सारा का, जिन्हें विश्व बैठे सारे पंजाबियों ने बहादुर लोगों ने साड़ी सपोर्ट की। कुछ लोगों आत हों कंपलसिव क्रिटिक्स होंगे ने, क्रिटिसिजम करो पर अच्छे शब्दों करो जो असं जवाब भी दे सके। जो तुम लिखते हो गलत गल्लां तुम अच्छी तरह समझ लो कि तुम अपना किरदार अपन धियां भैणों के मावं के सामने नंग सा कुछ नहीं जाता, असं तो उसको डिलीट कर देंगे, नहीं पढ़ा, ब्लॉक कर देंगे। अच्छे कॉमेंट करो, पॉजिटिव करो, जे कोई क्रिटिसिजम करना भी है तो वह भी अच्छे लफ्जा करो, ताकि उस लफ्जा में असी सही जवाब दे सकी। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार नाल सारे फतेह बुला दिओ, वाहेगुरु जी का खालसा फतेह।